तो पिछली फिल्म में हमने देखा था जब डैश जीतकर वापस आ रहा होता है तो शहर में कोई हमला कर देता है, तो वो हमला करने वाला अंडरमाइनर होता है। तो इस फिल्म में ये अंडरमाइनर एक बैंक को लूटने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, और मिस्टर इनक्रेडिबल और उसकी फैमिली मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रोक पाते, जिसके कारण शहर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाती है और सुपर हीरोज प्रोग्राम को फिर से शट डाउन कर देती है। मिस्टर इनक्रेडिबल रिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वायलेट का एक बॉयफ्रेंड है जिसने उसका असली रूप देख लिया है तो उसकी सारी मेमोरी मिटा दी जाए। उसके बाद उसकी सारी मेमोरीज को मिटा दिया जाता है। लूसियस उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि एक बिजनेसमैन विंस्टन डीवर उनके काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो सुपर हीरोज प्रोग्राम को दोबारा चालू करना चाहता है। विंस्टन की एक बहन होती है एवलिन, जो कि उसकी कंपनी की मास्टरमाइंड थी, और ये दोनों भाई बहन होते हैं। तो उनके पास एक मिशन होता है और उस मिशन के लिए वो इलास्टिकल को चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉब ज़्यादा तबाही मचा सकता है और उनका सुपर हीरो प्रोग्राम फेल हो सकता है। उसके बाद बॉब और इलास्टिकल दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि बॉब फैमिली संभालेगा और इलास्टिकल मिशन कम्प्लीट करेगी। उसके बाद मिस्टर इनक्रेडिबल डैश की होमवर्क कराने में मदद करता है। उसके बाद वायलेट को पता चल जाता है कि उसके पापा ने उसके बॉयफ्रेंड की सारी मेमोरी डिलीट कर दी है और वो अपने पापा पर बहुत गुस्सा होती है, अब वो मेरे को जानता तक नहीं है। और उसका सबसे छोटा बेटा जैक जैक, उसके अंदर बहुत अलग पावर्स होती हैं जिसके कारण वो मिस्टर इनक्रेडिबल को बहुत तंग करता है। उसके बाद बॉब जैक जैक को लेकर एडना के पास जाता है। एडना वही है जिसे हमने पिछले फिल्म में देखा था जो इनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती है, और वो एडना को बोलता है कि जैक जैक के पास भी सुपर पावर्स हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाओ। उसके बाद इलास्टिकल को एक मिशन दिया होता है, स्क्रीन सेवर नाम का एक विलन होता है उसको पकड़ने के लिए, तो वो उसको पकड़ लेती है। उसके बाद वो पूरे शहर में पॉपुलर हो जाती है। और डीवर का प्लान यही था कि लोगों को ये दिखाना कि सुपर हीरोज काम कैसे करते हैं। विल्सन सारे पॉलिटिशियंस को एक शिप पर इकट्ठा कर लेता है जिससे कि सुपर हीरो प्रोग्राम दोबारा से चालू किया जा सके। इलास्टिकल वो क्लिप दोबारा देखती है जब वो स्क्रीन सेवर को पकड़ती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि स्क्रीन सेवर असल में विलन नहीं है, उसको एक हिप्नोटिज्म मास्क पहनाया हुआ था। उसके बाद एवेलिन उसको हिप्नोटिज्म मास्क पहना देती है और बता देती है कि वही स्क्रीन सेवर है, कैसे उनके डैड ने जान गंवाई सुपर हीरोज़ के लिए। उसके बाद वो अपना प्लान बताती है कि वो सारे सुपर हीरोज़ को ख़त्म कर देगी। उसके बाद एवेलिन बॉब को धोखे से बुला लेती है और हिप्नोटिज्म मास्क उसको भी पहना देती है, और उसके बाद वो बच्चों को पकड़ने के लिए एक सुपर हीरोज़ की टीम उनके पास भेज देती है जो कि उसके कंट्रोल में ही होते हैं। उसके बाद डैश अपना दिमाग चलाता है और अपने डैडी की कार रिमोट कंट्रोल से अपने पास बुला लेता है। वो कार उनको उनके मोम डैड के पास ले जाती है। जिस शिप में पॉलिटिशियंस थे उसे शिप में सुपर हीरोज भी थे, और उसका प्लान ये था पॉलिटिशियंस को सुपर हीरोज के खिलाफ भड़का देना, उसके बाद सब लोग सुपर हीरोज से हेट करने लग जाएं। जैक जैक अपनी मोम के गोद में होता है और वो अपनी मम्मी की आंखों से हिप्नोटिज्म मास्क हटा देता है। उसके बाद धीरे धीरे इलास्टिकल सभी सुपर हीरोज के आंखों से हिप्नोटिज्म मास्क उतार देती है। उसके बाद सभी हीरोज उस शिप को सिटी से टकराने से रोक देते हैं, और ये काम वो लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं। और उसके बाद इलास्टिकल एवलिन को पकड़ने में लग जाती है। पॉलिटिशियंस ये देखकर खुश होते हैं और वो लोग सुपर हीरोज प्रोग्राम दोबारा से चालू कर देते हैं। लास्ट सीन में वो सभी मूवी देखने जाते हैं, लेकिन एक चोरी को देखते हुए वो लोग अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने सुपर हीरोज मास्क पहन के। तो दोस्तों, ये थी इनक्रेडिबल 2। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह की और फिल्में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।